विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। समुद्र मंथन के पश्चात जब असुर अमृत कलश को लेकर पलायन कर गए तो मामा जी श्री हरि नारायण अपने मोहिनी रूप में उसे पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपा था श्री हरि नारायण की वो छलपूर्ण योजना, जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुंह के पाश में बांध लिया था। विचार से आप में से ना तो किसी ने ये अमृत पान किया है और ना ही उसे कभी देखा है। फिर सर्वप्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्तापूर्ण संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ समझा नहीं देवी। बहुत सरल बात है, अमृत का घनत्व कलश के तल में अधिक होता है और उसकी सतह पर कम, और अमृत का वास्तविक गुण उसी अंश में होता है जहाँ वो सबसे अधिक घना होता है, और ऊपरी सतह का द्रव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। उचित कह रही हूँ ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए असुर राज होने के नाते मैं सभी असुरों को आदेश देता हूँ कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। इस प्रकार मोहिनी अवतार के सौंदर्य से प्रभावित होकर असुरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को स्वीकार किया और उनके द्वारा पुनः छले गए। छल पर विजय तो छल से ही पाई जा सकती है लंकेश। किंतु नारायण भी ये भूल गए थे कि असुर भी छल में किसी से कम नहीं थे। एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो? ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। अमृत पान कर लिया मैंने। छल किया है तुमने। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे, क्योंकि अमृत पान कर लिया मैंने। Ha 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 ha!
शीश विलग होने के पूर्व स्वरभानु अमृत पान कर चुका था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु, और उसके शरीर का नाम हुआ केतु, और आज तक राहु सूर्य और चंद्रदेव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के स्वर भानु की योजना विफल हुई थी। और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमृत पान से रुकने पर कैसे तैयार हुए? वो कहां तैयार हुए, और वो स्थिति एक युद्ध में परिवर्तित हो गई। किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे। नारायण के छल के कारण और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया। नहीं, मैं अभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। उपरांत भी इंद्रदेव अपने सिंहासन पर स्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब प्रथम बार उनकी बुद्धि उनका साथ दे रही थी। सिंहासन ग्रहण करने के पूर्व वो ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी आप सभी अब उचित मार्ग पर लौट आए हैं देवगण और देवराज इंद्र। यह आपका अनुशासित आचरण ही है जिसके कारण आप सिंहासन पर स्थित होने के पूर्व मुझसे आशीष प्राप्त करने यहाँ पधारे हैं। इस घटना के उपरांत आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया होगा कि जो अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं उनकी पृष्ठ श्री हरि नारायण के कुर्म अवतार के समान शक्तिशाली और दृढ़ होती है। वो अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम हो जाते हैं, और जिनके व्यवहार में अनुशासन की शक्ति होती है वो प्रभु नीलकंठ के समान हलहल विष का पान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। किसी भी कठिनाई का सफलतापूर्वक सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने हेतु सबल हो जाते हैं। अब मेरा आशीष आपके साथ है, किंतु स्मरण रखिएगा, ऐसा तभी तक रहेगा जब तक आप अनुशासन का पालन करेंगे। अद्भुत, प्रभु ऋषि दुर्वासा ने तो देवताओं को आशीष के साथ चेतावनी भी दे दी और ज्ञान भी, जिसके साथ ही उन्होंने उत्तम जीवन का एक नवीन नियम भी स्थापित किया कि अनुशासन जीवन का आधार उसकी शक्ति है, जिसके बिना कभी किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमें ऋषिवर के दर्शन हेतु उनकी स्तुति आरंभ करनी चाहिए। लंकेश, मेरा एक सुझाव है गौरी पुत्र, एक बार मैं आपको प्रभु के समस्त अवतारों की कथा सुना दूं, तब हम एक साथ ही सभी की स्तुति भी कर लेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है लंकेश, जैसे आपको भी भय है कि कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा आपको कोई कठोर शाप ना दे दें। नहीं गौरी पुत्र। किंतु आप क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि आपने तो उनकी कथा ही सुनाई है। कोई भूल कहाँ की है जो आप उनके शाप के भागी बनेंगे? हाँ हाँ, सर्वथा उचित कहा आपने गौरी पुत्र, मैंने कोई भूल कहाँ की है। उचित है फिर तो प्रभु की स्तुति आरंभ करते हैं। हाँ, किंतु आइए ना लंकेश। त्रयम्बकम् सदाशिवम् नमामि हे उम।
उमापति जय नील कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। मेरा भी प्रणाम, स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो। कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा भी मेरे हाथों में प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को देखकर क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? लंकेश, आप तो स्वयं को प्रभु महादेव के महंतम भक्त मानते हैं, जिसने स्वयं प्रभु से उनके आत्मिक प्राप्त किया, फिर अनुशासन प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रमाण दीजिए मुझे। जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन स्नान कर लौटते हैं, तब तक आप मेरे और मेरे सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश, कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं, इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश, कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं, इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। इस निर्जन वन और अल्प समय में प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके एक सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा? किंतु ऋषिवर और उनके शिष्य यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसीलिए अतिथि सत्कार के नियम का पालन करने हेतु आपको ये कार्य तो संपन्न करना ही होगा लंकेश। गौरी पुत्र, यहाँ तो मेरे पास यही फल हैं जो मैंने प्रभु के आत्मलिंग पर अर्पित किए थे। यदि मैंने ऋषिवर और उनके शिष्यों के भोज हेतु इन फलों का उपयोग भी किया, तो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा गौरी पुत्र। और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ, तो भला उससे किसका उदर भरेगा? किंतु आपको ऋषिवर की इच्छा पूर्ति हेतु भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागृत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तो आप स्वयं कर लीजिए लंकेश। गौरी पुत्र सत्य कह रहे हैं, प्रभु ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो कदाचित मुझे भस्म ही कर देगा। क्या ये सर्वथा असंभव कार्य नहीं सौंप दिया? प्रभु शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा ने मुझसे ऐसा निवेदन कर ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे।
नहीं नहीं लंकेश, ये यंत्रणा नहीं, मात्र आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है। आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है तो उस अनुरोध को पूर्ण करने में आप ही मेरी सहायता कीजिए ना गौरी पुत्र। आप तो विघ्नहर्ता हैं, सभी के विघ्न हरते हैं, तो मेरा भी ये विघ्न हर दीजिए ना। हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थ्य रखते हैं। समुद्र मंथन के समय भी आपकी ही पूजा से वो मंथन संभव हो सका था, इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए। मुझ पर कृपा कर यहाँ भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। हमारे संवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उच्चारण हुआ तो मुझे भी भूख का आभास होने लगा है लंकेश। भूख। चतुर 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 ज्ञानी। लंकेश, मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? मुझे ज्ञात है आप मुझे प्रसाद ग्रहण करने से कदापि नहीं रोकेंगे, है ना लंकेश? अरे तो मैं ग्रहण कर ही लेता हूँ। गौरी पुत्र? नहीं नहीं, गौरी पुत्र। आह, अत्यंत स्वादिष्ट। गौरी पुत्र, ये कैसा अन्याय है? गौरी पुत्र, यहाँ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप स्वयं अपना ही उधर भर रहे हैं। अनुपम स्वाद है इनका। रुक जाइए गौरी पुत्र, रुक जाइए। गौरी पुत्र रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? गौरी पुत्र, भोजन की व्यवस्था करने के विपरीत आपने तो उसे ही अपना आहार बना लिया जो मेरे पास था। चतुर गणेशा। ये कैसी सहायता की आपने गौरी पुत्र? जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध का भागी बनूं। कुछ भी शेष नहीं रहा, यहाँ निकट में जो भी था वो एकत्र कर लाया था मैं। फिर अब मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? अब प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी? और वो आएंगे तो मैं? आएंगे नहीं लंकेश, वो तो आ गए हैं। इतने शीघ्र कैसे लौट आए ऋषिवर? अब दंड स्वरूप उनका शाप पाने के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। तो आपने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की लंकेश। वैसे भी हमारा उधर भर चुका है और तृप्त होने के उपरांत मात्र स्वाद हेतु भोजन करना अन्न का अपमान है जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छा नहीं है प्रभु? नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने तृप्त होकर हमें भी तृप्त कर दिया हो। और सत्य तो यह है कि हमारी जीवा पर अभी भी इस वन के फलों का स्वाद है। अर्थात गौरी पुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हेतु था, क्योंकि उन्हीं फलों से ऋषिवर और उनके शिष्य तृप्त हुए। तो ये सब पार्वती नंदन गणेश जी की ही कृपा है।
प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरी पुत्र। हल आपने ग्रहण किए, उधर प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का भरा, और रक्षा मेरी हुई। ऋषिवर, यदि आप भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए। मेरे द्वारा प्रभु के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया लंकेश ने। आप जो भी अनुरोध करेंगे उसे लंकेश रावण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूं। आपको तो ज्ञात होगा ऋषिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिव शंकर शंभू को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग प्राप्त किया है, और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का सामर्थ्य है मुझ में। ये सामर्थ्य नहीं अहंकार है लंकेश। आपके इस अहंकार के लिए आपको दंडित करना अनिवार्य है। तो क्या ऋषिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं? वैसे तो मेरे क्रोध से सदा संसार का कल्याण ही हुआ है, किंतु जब स्वयं प्रभु महागणाधिपति जी यहाँ उपस्थित हैं, तो फिर इस अवस्था में मेरे किसी हस्तक्षेप का भला क्या औचित्य है? लंकेश रावण, प्रभु के आत्मलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे। आत्मलिंग से वंचित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पाठ सिखाने जा रहा था, किंतु पार्वती नंदन गणेश है आपके साथ। मात्र इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं।
वास्तव में महान हैं गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता हैं, जिसका साक्षी आज मैं स्वयं बना हूं। आपने मुझे प्रभु के सभी अवतारों की स्तुति करवाई और अब मैं आपकी स्तुति करने का इच्छुक हूँ। आप अपनी इच्छा अवश्य पूर्ण करें लंकेश। प्रणम्यम शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। लंकेश, कहीं आप पुनः मुझे संशय की दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं गौरी पुत्र, ये सत्य है कि संपूर्ण समय मैं आप पर संदेह करता रहा, इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं, किंतु अब मैं स्पष्ट समझ गया हूँ कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र, मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेष नहीं है गौरी पुत्र, किंतु आज मैं सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा। ऋषि दुर्वासा का वचन कदापि सत्य नहीं होगा, फिर भले ही कोई भी मेरे समक्ष ही क्यों ना आ जाए। ये वचन आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है लंकेश, और अहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है। लंकेश, महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ज्ञात है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि अहंकार सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है और अपने अहंकार से अहंकारी जीव स्वयं अपना ही विनाश करता है। हाँ गौरी पुत्र, ये तो प्रभु अवधूत की कथा है, जिनके क्रोध से तो इंद्रदेव के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था। आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्ञात है गौरी पुत्र, इसलिए आपके मुख से ही उनका वर्णन सर्वथा उचित होगा। प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाऊंगा। मूषक जी आप? प्रणाम प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूषक? और तुम हमारा पीछा करने लगे? पीछा? लंकेश, मैं तो आपके साथ चल रहा था। किंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के मित्र हैं आप, तो मैं भी उनका मित्र और सेवक होने के कारण आपका भी तो मित्र हुआ ना। इस कथा के मुख्य पात्र केवल देवराज इंद्र और महादेव ही नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश भी है। तो ये कथा सुनाने सर, मैं कैसे खो सकता हूँ? उचित है मूषक जी, आप ही हमें ये कथा सुनाइए। अवश्य प्रभु। तो सुनिए, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के पुनः लौटने के पश्चात श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्विवाह होने जा रहा था, और उनके विवाह की संपूर्ण तैयारी
क्या था वो मूषक जी, बताइए। यही कि श्री हरि नारायण की ओर से तो मेरे प्रभु गणेश जी को विवाह का निमंत्रण ही नहीं आया था। कब कहां कौन किस महान कार्य से जुड़ेगा ये किसी को ज्ञात नहीं होता, इसलिए कोई छोटा हो अथवा बड़ा सबका सम्मान होना चाहिए।